धोलेरा। देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो शांघाई है, उस शांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 times more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे, आम सामान्य मानवीय की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं चैम्बर के मित्रों का, मथुरादास भाई का, आपने मुझे यहां आने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई से। मनीष, धोलेरा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, उनसे इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट 2014 में प्रपोज किया गया था और उससे उसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चल रहा था और आज उनको पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने का मतलब ये है कि अब इनके लिए रास्ता साफ होता जा रहा है। 2016 के जनवरी में माना जा रहा है कि एविएशन मिनिस्ट्री है, उनसे ये मंत्रालय ये एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिल जाएगी और एविएशन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ये रास्ता और साफ होगा, मतलब काम शुरू हो जाएगा। साथ में आपको बता दूं कि नवागाम एयरपोर्ट बनेगा, अहमदाबाद जिले का जो नवागाम एरिया है, जो धोलेरा SIR के पास में है, वहां पर ये एयरपोर्ट बनेगा। 1712 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है, 1426 हेक्टेयर में ये पूरा एयरपोर्ट बनना है और उसके पहले फेज में जो इन्वेस्टमेंट की जानी है वो 716 करोड़ की है। मतलब कुल मिलाकर जो खर्चा होगा उसके लिए गुजरात सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ टाई अप किया है और उसके लिए गुजरात सरकार ने एक कंपनी की भी स्थापना की है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी। ये कंपनी और एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो दोनों मिलके इस नए एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसका सीधा फायदा मिलेगा धोलेरा SIR को और उसके आसपास के इलाकों को। स्वाभाविक है कि गुजरात में पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा बनेगा तो पूरे गुजरात को इसका फायदा तो मिलेगा ही। बिल्कुल, और अगले साल जनवरी से निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए मनीष। The next category is the best developer in smart city of Ahmedabad and the award goes to GMPC Built Line. Everybody, Mr. Jignesh Doshi, the CMD, is here to receive the award for GMPC Built Line, the winners of the best developer in smart city of Ahmedabad. Moving on, the next category is the best commercial initiative in Noida and the award goes to IDI Group. Needs of discerning customers. Interested in prime location for residential or commercial space. Within a span of a year, JMPC established and marketed a strong and reliable reputation in the densely saturated construction market of Gujarat and Rajasthan. With a philosophy to provide more value for money to its customers and make safe, clean, efficient and technologically advanced buildings. JMPC focuses on the needs and requirements of the family seeking to buy and develop their home to live and fulfill their dreams. JMPC Built Line is counted amongst the reputed service providers of real estate services in Gujarat. JMPC Built Line deals in residential, commercial, industrial, hotel and tourism and IT parks. According to JMPC, quality cannot be compromised. This vision has been incorporated in each and every project done by JMPC Built Line.
In last many years, the company has developed residential and commercial projects, and now the focus is shifted to create a second home for the all strata and economic background. JMPC Built Line is offering residential plots, theme-based farmhouses, bungalow and row house adjoining Nal Sarovar Bird Sanctuary, Dholera SIR, Baroda, Mount Abu and Ahmedabad. JMPC Built Line's series of Arya Cells and Aryan Vaticas, Dholera Vibrant Green, Dholera 955, Arch Industrial Park, JMPC Meadows will be the projects for the masses and are to be located at Dholera SIR. JMPC is enriched with noble and decent legacy of strong heredity and work with a conventional reputation. JMPC's development and designs have been trendsetter and have harmonized modern development of the city and its vicinity. We take the pride to be vibrant and dynamic real estate company.